हेलो दोस्तों, ये है जनवरी करंट अफेयर का छठा वीडियो। सॉरी, ये छठा वीडियो नहीं है, सातवां वीडियो। तो छह वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो आप अगर उन वीडियो को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियो को देखें। ये दो वीडियो मैं और इस पर बनाऊंगा और फिर जनवरी का करंट अफेयर 2020 का इस जनवरी महीने का कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप जा करके देखें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो है छत्तीसगढ़। दूसरा क्वेश्चन, भारत किस देश में एक समुद्री अनुसंधान समन्वय केंद्र स्थापित करेगा? वो है श्रीलंका। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया गया? 19 जनवरी। विंग्स इंडिया 2020 से पूर्व एक उद्योग बैठक किस शहर में हुई? बेंगलुरु। पांचवा क्वेश्चन, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नए अध्यक्ष कौन है? नृपेंद्र मिश्रा। छठा क्वेश्चन, 50वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो वह है स्विट्जरलैंड। सातवां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का नवा संस्करण किस शहर में हुआ है? कोलकाता। आठवां क्वेश्चन, भारतीय तीरंदाज संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। आठवां, नौवां क्वेश्चन, किस बैंक ने लगभग 250 API के साथ भारत का सबसे बड़ा API बैंकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? ICICI बैंक। दसवां क्वेश्चन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में सोना खरीदने में केंद्रीय बैंकों के बीच RBI की रैंक क्या है? छठा। ग्यारहवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का 15वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? 18 जनवरी। बारहवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है दो दिवसीय कार्यक्रम NIC टेक्नो टेक कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन कौन करेगा? रविशंकर प्रसाद। तेरहवां क्वेश्चन, 6 मार्च को किस राज्य में चापर कुट महोत्सव मनाया जाएगा? मिजोरम। चौदहवां क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में 3.5 बिलियन में उबर ईट्स का अधिग्रहण किया? जोमेटो। पंद्रहवां क्वेश्चन, 18 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किस केंद्रीय मंत्री ने इले क्रामा 2020 का उद्घाटन किया? प्रकाश जावड़ेकर। 16वां क्वेश्चन, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? कासम ऑफ ड्रीम। 17वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजाति युवा विनिमय कार्यक्रम पुडुचेरी में शुरू होगा। 18वां क्वेश्चन, रॉकी जॉनसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? कुश्ती। 18वां क्वेश्चन, 2019 के लिए अपने जल दक्षता लक्ष्यों के आधार पर केंद्रीय और राज्य के सरकारी जल विभागों की रैंकिंग अनुसार कौन सा राज्य से पहले गुजरा? 20वां क्वेश्चन, राजनीतिक क्रिकेट चैंपियनशिप का चौथा संस्करण किस देश के द्वारा जीता गया था? भारत। 21वां क्वेश्चन, 26 जनवरी को नई दिल्ली में राजपथ में 71वां गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होंगे? जेयर मेसियस बोल्सोनारो। 22वां क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने तंजावुर एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल से लैस Sukhoi-30 MKI विमान के अपने पहले स्क्वाड्रन को शामिल किया? तंजावुर एयरबेस कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। 23वां क्वेश्चन, एकीकृत चेक पोस्ट बिराधनगर का उद्घाटन भारत और नेपाल के बीच किया गया? 24वां क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश। 25वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्थापना दिवस की 48वीं वर्षगांठ मनाई? मेघालय। 26वां क्वेश्चन, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के पहले संस्करण की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क। 27वां क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने स्कूल में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? महाराष्ट्र। 28वां क्वेश्चन, वार्षिक कार्बन प्रकटीकरण परियोजना 2019 रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? 5वां। 29वां क्वेश्चन, फिट इंडिया साइक्लोथॉन किस राज्य में आयोजित किया गया है? गोवा। 30वां क्वेश्चन, दूर संचार विभाग DOT ने किस दूर संचार कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 49% से बढ़ाकर 100% करने की मंजूरी दी है? वो एयरटेल। तो ये था आज का सातवां वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।